कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में अपने 8 पुलिसकर्मियों को खोने वाली यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना रही है। विकास दुबे और उसके गैंग का आतंक खत्म करने के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन ठोको जारी है। इसी के चलते मेरठ पुलिस ने 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक देर रात सरूरपुर लाहौरगढ़ रजवाहे के पटरी पर सरूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रासना के पास बाइक सवार दो बदमाश कुछ राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे। सूचना पर सरूरपुर सदना व रोहटा पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली। रात करीब 9 बजे के लाहौरगढ़ रजवाहे की पटरी पर पुलिया के पास पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और खेतों में घुस गए। मुठभेड़ में एक गोली दीपक सिद्धू को लग गई। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरा अंधेरे में भाग निकला। हालांकि बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ सरधना जितेंद्र सरगम सरूरपुर व रोहटा थानों की पुलिस ने बदमाश को कॉम्बिंग के बाद तलाश कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया बदमाश दीपक थाना सरधना के गाँव का छबड़िया का रहने वाला था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी था तथा वह एक महीना पहले सरदना में हुई अंकुर भारद्वाज हत्याकांड में फरार चल रहा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि मारे गए बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा हत्या व लूट के मुकदमे भी दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के साथ पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एक शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, देर रात में एक लूट की घटना हुई थी। उसके बाद सारी पुलिस टीमें पहले से ही लॉकडाउन में क्षेत्र में लगी हुई थी। इस सूचना के बाद एक लूट हुई थी रोहटा थाना क्षेत्र और सरूरपुर में। देहात के पुलिस टीम सभी अधिकारी थे। सरूरपुर घटना के बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। उस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और एक बाइक पर दो अपराधी थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायर हुआ जिसमें एक को गोली लगी और दूसरा अपराधी जो है वहां से भागा। इसको और हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी इस दौरान गोली लगी। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया CSC, वहां से गंभीर हालत को देखते हुए वहां से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक अपराधी की मृत्यु हुई है और जो इसकी पहचान हुई है वो दीपक सिद्धू के नाम पर हुई है, जो कि जिले के टॉप 10 अपराधी में इस वर्ष 2020 में चिन्हित है और इस पे 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है।